वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। निफ्टी फिलहाल 9100 के बेहद नजदीक, एक बार फिर से उसके नीचे 9090 का स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। कुछ और दर्शक हैं फोन लाइन पर, अपने सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं विकास मोदीनगर से। विकास जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। फोन लाइन डिस्कनेक्ट हुई है, लेकिन सवाल इनका मैसेज के जरिए भी आया है और टेक महिंद्रा पर ये जानना चाह रहे हैं कि बस 50 शेयर्स हैं जो कि 490 के स्तर पर लिए हुए हैं। आईटी में कमजोरी है फिलहाल, यहाँ पर भी लाल निशान देखने को मिल रहा है, नुकसान में है आशीष, क्या करना चाहिए टेक महिंद्रा में? देखिए टेक महिंद्रा में ट्रेंड है फिलहाल यहाँ आवाज कुछ क्लियर नहीं आ रही है। हमारे साथ और भी दर्शक जुड़ रहे हैं लगातार। एक यस बैंक का स्टॉक देखिए, काफी ज्यादा कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी कुछ खबर भी आ रही है कि 100 करोड़ का QIP लॉन्च करने की योजना, और उस खबर के आने के बाद यस बैंक इस वक्त अपने निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। करीब 3% की कमजोरी स्टॉक में देखने को मिल रही है। आज कुछ बैंकिंग स्टॉक्स आज कुछ दबाव में ट्रेड कर रहे हैं, लगातार इनमें खबर न्यूज़ फ्लो भी स्ट्रॉन्ग आती जा रही हैं। हमारे साथ फेसबुक से लगातार कॉलर्स आ रहे हैं। फेसबुक से एक मैसेज आया है हमें धर्मेंद्र का, इन्होंने वॉकहार्ट के शेयर लिए हैं 200 शेयर्स 923 के भाव पर। आशीष इन्होंने वॉकहार्ट का शेयर लिया है और यहाँ पर हमको काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, काफ़ी ऊपरी की खरीद इनकी लग रही है, क्या राय होगी इस शेयर पर आपकी? देखिए ओवरऑल फार्मा सेक्टर में दबाव बना हुआ है। आज अगर आप देखें तो डीवीज लैब है या डॉक्टर रेड्डी है, सभी फार्मा में दबाव बना हुआ है। उसके सामने वॉकहार्ट ने थोड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया, तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एक स्टॉक के साथ काम करिए, 700 का एक स्टॉप लगा के रखिए। ऊपर में अगर ये स्टॉक 780 का आता है तो वहां पर ये लॉस बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। ऑलराइट, फेसबुक के जरिए कुछ और दर्शक अपने सवाल पूछना चाह रहे हैं। सैम लखानी का सवाल है टूरिज्म फाइनेंस को लेकर, इनके पास 500 शेयर्स हैं आशीष, जो कि 72 के लेवल्स पे लिए हुए हैं टूरिज्म फाइनेंस। हालांकि इन्होंने मेंशन नहीं किया कितना समय इसे रख पाएंगे, लेकिन फिलहाल एक अच्छा खासा मुनाफा इनको हो रहा है, क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे भी? देखिए टूरिज्म फाइनेंस में अगर देखा जाए तो पिछले कुछ 3 से 6 सेशन में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ऊपर का एक ट्रेंड देखा गया है, होल्ड करके रख सकते हैं, पोटेंशियल है स्टॉक में जब तक मोमेंटम रहेगा। जो 50 डेज का एवरेज है उसके ऊपर सस्टेन कर पा रहा है, तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है, होल्ड करके रखिए स्टॉक में। ऊपर का टारगेट ये देखिए 90 का एक नीचे में स्टॉप लगा के जो इन्हें रखना होगा, करीबन 63 का स्टॉप लॉस इन्हें लगा के रखना होगा। 63 पर स्टॉप लॉस लगाएं होल्ड ऑन करने के लिए। आशीष शुक्रिया, समय दिया आपने और बात की हमसे।